नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंदिर। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री है यानी कि पोखरियाल जी, उन्होंने क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो घोषित कर दी है। यानी कि एग्ज़ाम की जो तारीख है, परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के ही एग्ज़ाम की डेट्स का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और क्या उसमें क्या मिस्टेक की है उन्होंने ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस मिस्टेक के कारण बच्चों को कैसे नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10th की बात करते हैं। 10th की, जैसे कि आप देख रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम जो है 4 मई 2021 से स्टार्ट होने वाला है, और उसका जो टाइमिंग रहेगा, सभी पेपर का जो टाइम है वो 10:30 से 1:30 बजे के बीच में, सुबह 10:30 से स्टार्ट होकर 1:30 बजे तक ये पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर आपका होगा 6 मई, ये आपका फर्स्ट पेपर है 6 मई, और ट्यूजडे को ये पेपर रहेगा इंग्लिश लिटरेचर का। जो बच्चों ने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है उन लोगों के लिए ये पेपर रहेगा 6th को, ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो है मंडे को, जो 10 तारीख को, 10 मई को दूसरा पेपर, और ये पेपर है हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी। जिन बच्चों ने हिंदी कोर्स ए लिया है वो हिंदी कोर्स ए का देंगे, और जिन्होंने हिंदी कोर्स बी लिया है वो बी का देंगे, और ये रहेगा मंडे 10th ऑफ मई को। थर्ड लैंग्वेज का जो पेपर है वो ट्यूजडे 11th मई को रहेगा, ठीक है। और ये जो पेपर है वो उर्दू कोर्स ए का, बंगाली, तमिल, पर्शियन, ये बहुत सारी लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज जो भी बच्चों ने इन लैंग्वेज को लिया है उनका पेपर होगा 11th ऑफ मई को, ठीक है। फिर आता है अगला पेपर 13th मई को। 13th मई को जो पेपर होगा वो मलयालम, फ्रेंच, रशियन और उर्दू कोर्स बी का। जिन बच्चों ने उर्दू कोर्स बी ले रखा है उनका पेपर होगा 13th ऑफ मई को, ठीक है। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे 15th मई, ये जो सबसे मेन पेपर है, मतलब जो तीन मेन पेपर है तो होते हैं उसमें से 15th को फर्स्ट मेन पेपर रहेगा, वो है साइंस थ्योरी का, ठीक है। साइंस थ्योरी में तो साइंस का पेपर आपका रहेगा 15th मई को, जो कि 10:30 से 1:30 के बीच में रहेगा, ठीक है। अगला पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर वो है 21st मई। 21st मई को पेपर है मैथमेटिक स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक बेसिक का। तो जिन बच्चों ने मैथमेटिक स्टैंडर्ड लिया है उनको, और जिन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक लिया है, दोनों का ही पेपर 21st मई को होगा। जिन बच्चों को आगे चल के 11th क्लास में मैथ साइंस लेना है उन्होंने मैथमेटिक स्टैंडर्ड लिया होगा, और जिन लोगों को मैथ साइंस नहीं लेना है उन्होंने बेसिक मैथमेटिक लिया होगा। इन दोनों का जो पेपर है वो 21st ऑफ मई को है। इसके बाद जो अगला मेन पेपर है वो है आपका 27th ऑफ मई को। 27th ऑफ मई को जो पेपर है वो आपका सोशल साइंस का रहेगा, ठीक है। सोशल साइंस का पेपर 27th मई को है 10:30 से 1:30 के बीच में, ठीक है। इसके बाद सैटरडे को 29th ऑफ मई, जिन बच्चों ने जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखा है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी बोलते हैं, उसका पेपर रहेगा 29th मई को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म, इनमें से कोई सा भी ले रखा है। वैसे अक्सर बच्चों ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रखा है, तो उनका जो पेपर है वो 29th ऑफ मई को रहेगा। इसके बाद जो अगला पेपर है वो 2nd ऑफ जून को, 2nd जून को, 2 जून को पेपर रहेगा अरेबिक और संस्कृत का। जिन लोगों ने संस्कृत ले रखा है एज अ सब्जेक्ट यानी कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में जिनने संस्कृत ले रखा है वो, उनका पेपर जो है वो 2nd जून को रहेगा, ठीक है। और 7th जून को यानी 7 तारीख को, 7 जून को कंप्यूटर एप्लीकेशन करेगा। जिन लोगों ने आईटी नहीं लिया होगा उन बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया होगा उनका जो पेपर है वो 7 जून को रहेगा। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मेन मेन पेपर है वो कब कब है। एक तो 6th मई को फर्स्ट पेपर, जो 6th मई को है, 6th मई को इंग्लिश का है, ठीक है। इसके बाद आपका 10th मई को है, 10th मई को है आपका पेपर हिंदी का, ये मेन पेपर है जो कि सभी जगह इन पेपर को सभी बच्चों ने लगभग ये पेपर लिए रखा होगा, ज़्यादातर इन्हीं पेपर को, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं पेपर को देंगे। एक मेन बात ये है कि ये यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने उर्दू कोर्स बी ले रखा होगा उन लोग को साइंस के लिए केवल एक ही दिन का गैप मिलेगा, यानी कि जो 14th मई है उसी का गैप मिलेगा, बाकी उनको ज़्यादा दिन का गैप नहीं मिलेगा जिन्होंने उर्दू कोर्स बी ले रखा है। जो उर्दू कोर्स ए वालों के लिए तो ठीक है फिर भी, लेकिन उर्दू कोर्स बी वालों के लिए ओनली 1 डे का गैप है और एक बड़ा पेपर उनको देना पड़ेगा। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर 1-2 दिन का गैप मिल जाता तो बच्चों को थोड़ा आसान रहता उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की।
तो क्लास ट्वेल्थ का जो पेपर है, क्लास ट्वेल्थ के जो पेपर है वो दो शिफ्ट में करवाया है। एक तो है मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर और एक है इवनिंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर। दोनों पेपर का टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। अगर एक 10:30 से स्टार्ट है तो दूसरा 2:30 बजे से स्टार्ट है, तो दोनों के पेपर का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। अब ऐसा क्यों किया गया है ये हम देखते हैं आगे कि किस वजह से इस प्रकार से किया गया है। इसका जो पहला पेपर है यानी कि 12th क्लास का जो फर्स्ट पेपर है वो भी 4th मई से स्टार्ट हो रहा है। 10th का भी 4th मई से स्टार्ट है, 12th का भी 4th मई से स्टार्ट है। इसमें इंग्लिश कोर्स का यानी इंग्लिश का पेपर फर्स्ट डे रहेगा, इंग्लिश का पेपर क्लास 12th के लिए, ठीक है। सेकंड यानी कि जो सेकंड पेपर है क्लास 12th का वो है 5th मई को, जो कि टैक्सेशन का पेपर है। और बहुत सारे पेपर है लेकिन इधर ज़्यादा यूज़ नहीं होते, टैक्सेशन का पेपर जरूर इधर होता है, ठीक है। हमारा जो अगला पेपर है वो है 8th मई को। 8th मई को जो पेपर है वो है फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम PE बोलते हैं। तो PE का पेपर रहेगा आपका 8th मई को। इसके बाद जो 11th मई का पेपर हमारे इधर नहीं होता है, ओके, 12th ऑफ मई को, 12th मई को पेपर रहेगा बिजनेस स्टडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पेपर रहेगा 12th ऑफ मई को। ये बाकी के पेपर हमारे इधर नहीं होते हैं, हमारे स्टेट में ऐसे पेपर नहीं होते हैं, इसलिए मैं उसको बारे में बता नहीं रहा हूँ। फिर 13th मई को, ये मेन पेपर है साइंस वालों के लिए, जिन्होंने मेथ साइंस या बायो साइंस ले रखा है इनके लिए मेन पेपर है 13th मई को फिजिक्स का और अप्लाइड फिजिक्स का। जिन्होंने अप्लाइड फिजिक्स ले रखा है उनका अप्लाइड का होगा, जिन्होंने फिजिक्स ले रखा है उनका फिजिक्स का पेपर होगा। फिर हम चलते हैं अगला, ये है 15th मई। 15th मई को दोनों टाइम में पेपर है, यानी कि ये मॉर्निंग में भी है और आफ्टरनून में भी, दोनों टाइम में पेपर है ये। तो मॉर्निंग में जो पेपर होगा वो रिटेल और मास मीडिया का होगा, और जो इवनिंग यानी आफ्टरनून में जो पेपर होगा वो सारी लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है। जो भी लैंग्वेज जिसने भी ले रखी है उन लैंग्वेज का पेपर रहेगा, और उसका टाइम भी रहेगा 2:30 से 5:30। इसके बाद 17th मई, ये फिर से एक इम्पोर्टेंट पेपर है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा 17th मई 10:30 से 1:30 बजे के बीच में। और 18th मई को, और 18th मई को रहेगा केमिस्ट्री का पेपर, जो कि साइंस वाले बच्चों के लिए, चाहे वो मैथ साइंस के हो या बायो साइंस के हो, दोनों के लिए केमिस्ट्री का पेपर इंपॉर्टेंट पेपर होता है। तो ये पेपर रहेगा 18th को 10:30 से 1:30 बजे के बीच में, ठीक है। इसी के बाद 19th मई को, 19th मई को जो पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का, ये आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग के लिए ये मेन पेपर रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद नंबर आता है 24th मई। 24th मई को साइंस वालों के लिए यानी बायो साइंस वालों के लिए मेन पेपर है बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का पेपर रहेगा, ठीक है। और 25th मई को कॉमर्स वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट पेपर है, जरूरी पेपर है, वो है इकोनॉमिक्स का, वो रहेगा। इसी के साथ आपका जो आर्ट्स में जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ले रखा है उनका पेपर भी इसी दिन रहेगा, 25th मई को 10:30 से 1:30 बजे के बीच में। फिर आता है फ्राइडे 28th मई। 28th मई को सोशोलॉजी का पेपर रहेगा, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए मेन पेपर है। इसके बाद 29th मई, 29th मई को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस ओल्ड और कंप्यूटर साइंस ओल्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे जिनमें इनमें से जिनने भी जिस बच्चे ने जो पेपर ले रखा है उनका पेपर 29th मई को रहेगा 10:30 से 1:30 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है 31st मई। 31st मई को हिंदी, जिन बच्चों ने हिंदी ले रखा है एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, उनका पेपर रहेगा 31 मई को 10:30 से 1:30 बजे के बीच में। फिर मैथमेटिक, जिन बच्चों ने मैथमेटिक ले रखा है यानी मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो है 1 जून। 1 जून को रहेगा पेपर मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक। मैथ साइंस जिन्होंने मैथ साइंस ले रखा है मैथ साइंस, उन लोग के लिए मैथमेटिक का पेपर, और जिन्होंने आर्ट्स में या कॉमर्स में मैथमेटिक ले रखा है यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक जिसको हम बोलते हैं, उनका पेपर उसी दिन रहेगा। इसके बाद जो अगला पेपर है वो है 5 जून को, ये है साइकोलॉजी का पेपर। आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स लिया और आर्ट्स के अंदर किसी ने साइकोलॉजी लिया होगा तो उन लोग के लिए पेपर जो रहेगा वो 5 जून को रहेगा। इसी टाइप से जो 7 जून को, उनका भी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जिन्होंने होम साइंस ले रखा है उन लोग का पेपर रहेगा 7 जून को 10:30 से 1:30 बजे के बीच में। इसके बाद 9 जून को पेपर रहेगा बैंकिंग का, जिन लोगों ने बैंकिंग ले रखा है उन लोग का पेपर 9 जून को रहेगा। इसके बाद 10 जून को हिस्ट्री, ये भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है उन्होंने हिस्ट्री का ले रखा है तो उनका पेपर होगा 10 जून को। यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड डेट शीट में सभी टाइम दे रखा है कितना कितना है। आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10 AM to 15 AM, यानी कि यहाँ पे 10 बजे से 10:15 के बीच में आपको आंसर बुक मिल जाएगी। पेपर आपके हाथ में आएगा 10:15 पे,
सवा दस बजे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, और सवा दस से 10:30 के बीच में यानी कि 10:15 से 10:30 तक आप उस क्वेश्चन यानी 15 मिनट तक आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद पेपर स्टार्ट होगा यानी 10:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपको चलेगा 1:30 तक यानी 1:30 तक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।